हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जमी आपको कही ओजे रिगार्डिंग सब प्रकार इनफर्मेशन मुझे आपको देवी, तेना मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ओजे थ्रो रे बहुत गुड़िया ब्रांच रही, मीनस तुम ओजे पाइस कौ ब्रांच में तुम कैरियर करो ब्रांच में तुम एडमिशन कर। बहुत गुड़िया ब्रांच रही है, जमीक बी फार्म, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए, बीकैट, एमटेक, एमटेक पार्ट टाइम, देन एमआर, एमप्लान, एम फार्म एंड लैटर एंट्री टू बीटेक, देन लैटर एंट्री फार्म, बीटेक, बीआर्क, बी प्लान, इंटीग्रेटेड एमएससी एंड एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, देन बीएचएमएस। एगुरा है तार ब्रांच, तुम ओजे थ्रो रे कैरियर करपर तुम एडमिशन कर ओजे एग्जाम थ्रो रे। पूर्व वीडियो में आम डिस्कशन करते ओजे री फार्म, एमसीए, एमबीए एंड इंटीग्रेटेड एमबीए, तापर बीटेक एंड लैटर एंट्री बीटेक रो फुल इनफर्मेशन विषय में ए वीडियो में आम कौन डिस्कशन करवा ओजे एम फार्म, एमआर्क, एमटेक आउ एमप्लान रो फुल इनफर्मेशन विषय में, मैंने एम फार्म, एमआर्क, एमटेक, एमप्लान रो एग्जाम पैटर्न कौन रही, मिनिमम एलिजिबिलिटी कौन रही, देन सिलेबस कौन रही, सबुर सिलेबस कौन रही, कॉलेज एंड कोर्स फी एसरे को कॉलेज रही है, कोर्स फी केत टा रही से विषय में टोटाल डिटेल्स डिस्कशन करवा वीडियो में। फास्ट आम ये सब कोर्स एग्जाम पैटर्न विषय देखा। फास्ट देख एमटेक एग्जाम पैटर्न कौन, एमटेक टोटाल 90 क्वेश्चन आए आउ 2 आवर ड्यूरेशन रही, 2 घंटा भितर तुमको 90 क्वेश्चन क्लियर करार अच्छी। आज देख ब्रांच सब्जेक्ट रू 60 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग रू 10 क्वेश्चन आए। एथेर ब्रांच सब्जेक्ट कौन से सिलेबस कौन रही से विषय में पर जाना। एथेर देख टोटाल 90 क्वेश्चन, 2 आवर ड्यूरेशन रही है एमटेक। जाना एमआर्क एग्जाम पैटर्न विषय में, एमआर्क टोटाल 90 क्वेश्चन आए आउ 2 आवर ड्यूरेशन रही, 2 घंटा भितर तुमको 90 क्वेश्चन को क्लियर करार अच्छी। एमआर्क ब्रांच सब्जेक्ट जोटा ब्रांच सब्जेक्ट एमआर्क गोटे आर्किटेक्चर से 60 क्वेश्चन आसो। रीजनिंग रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टोटाल 30 क्वेश्चन आसो। एमती 90 क्वेश्चन को 2 आवर ड्यूरेशन रही। एमप्लान एग्जाम पैटर्न विषय जाना, एमप्लान टोटाल 90 क्वेश्चन आसो। एमप्लान ने टोटाल 90 क्वेश्चन, 2 आवर ड्यूरेशन रही। एथ ब्रांच सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन आसो। एमप्लान ने ब्रांच सब्जेक्ट कौन रही प्लानिंग से 60 क्वेश्चन आसो। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन आसो। एमप्लान ने वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आसवनी, केवल एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन आसो। देन जाना एम फार्म एग्जाम पैटर्न कौन, एम फार्म टोटाल एथे 60 क्वेश्चन आसो फ्रॉम बी फार्म कोर्स। बी फार्म जहाँ भी कोर्स रही तुमको पूर्व भिडर जनई थी, बी फार्म कौन सिलेबस रही, तार कौन एग्जाम पैटर्न कौन रही है, तुम चाहिए देखिपार चैनल को जाकि 60 क्वेश्चन आसो फ्रॉम बी फार्म कोर्स एंड 1 आवर ड्यूरेशन रही। 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर गोटे घंटा भितर। ये थी एग्जाम पैटर्न विषय में। देन आम डिस्कसन करवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय में। देन जाना एमटेक, एमआर्क, एमप्लान आउ एम फार्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन कौन। देख मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमटेक, एमआर्क, एमप्लान सामान होता है, तीन टापी सामान ये 2 इयर्स रही। मैंने देख तुम यदि कंप्लीट कराया चाहते ओजे थ्रो यही कोर्स पाइबर 2 वर्ष पढ़ला पर तुम जानव जो कंप्लीट कल बोली 2 वर्ष पढ़ला यहाँ कंप्लीट हे। एमटेक, एमआर्क, एमप्लान जो मैंने भी ओजे थ्रो कराया चाहते तर एलिजिबिलिटी क्राइटे कौन रही, पास्ट बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन देयर रिलेवेंट फील्ड, इन देयर रिलेवेंट फील्ड ऑब्टेन एटलिस्ट 50% मार्क, 50% मार्क रखी। जो मैंने भी किसी कैटेगोरी बिलंग्स कर 45% मार्क रखी तुम एमटेक, एमआर्क, एमप्लान ने एडमिशन कर। एम फार्म आउ गोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है एम फार्म, ए 2 इयर्स रही। देख तुम जो पाइस ओजे थ्रो एम फार्म 2 इयर्स कला ही कंप्लीट हम तुम एम फार्म कोर्सटा। एथिपाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही, पास्ट बैचलर डिग्री इन फार्मासी, जो मैंने भी एम फार्म कराया चाहते से पास्ट कर दरकार बैचलर डिग्री इन फार्मासी, ऑब्टेन एटलिस्ट 55% मार्क, 55% मार्क रखा दरकार। आज जो मैंने भी किसी कैटेगोरी बिलंग्स कर 50% मार्क रही मिनिमम एलिजिबिलिटी मिनिमम मार्क, से केवल एम फार्म एडमिशन करेंगे एम फार्म द्वारा एम फार्म एग्जाम देपारे। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय में। तापर सब कोर्स कौन सिलेबस रही से विषय डिटेल्स डिस्कशन करवा। फास्ट देख ओजे ऑफिशियल वेबसाइट गोटे सिलेबस पीडीएफटे रिलीज होता है सब वर्ष, ए वर्ष रिलीज होता तुम से पीडीएफटा केमी पाइब गूगल कि क्रोम ब्राउजर एक सर्च कर ओजे सिलेबस तार ऑफिशियल वेबसाइट आए। ऑफिशियल वेबसाइट कौटा देख देख आग ओजे सिलेबस सर्च करतापर आउ जेकोसी भी वेबसाइट दे तुम डाउनलोड करनी। ओजे ऑफिशियल वेबसाइट होगी ओजे .nic.in लिखाई देख ओजे .nic.in सिलेबस फॉर ओजे 2023 ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओजे। यहाँ हूँ ओजे ऑफिशियल वेबसाइट, तापर क्लिक कर क्लिक कालापर एम गोटे पेस्ट ओपन हम ये जो डाउनलोड चिन्हटा रही है से डाउनलोड चिन्ह पर क्लिक कालापर तुम एम गोटे पीडीएफ डाउनलोड हो।
देख एमती पीडीएफ डाउनलोड हो सिलेबस फॉर ओजेई 2023 तुम्हें ओजेई थ्रो में जो भी कोर्स कराया चाहो बी फार्म हो लैटरनिटी बी फार्म हो लैटरनिटी टेक डिप्लोमा लैटरनिटी टेक बीएससी हो एमसीए एमबीए इंटीग्रेटेड एमबीए एम फार्म एमआर्क एम प्लान एम टेक बी टेक जोटा कि बी टेक्टा ओजेई थ्रो में हो पार सेकेंड स्पेशल ओजेई गोटे रिलीज हे से थ्रो में तुम्हें बी टेक्टा कर सेटा जहाँ भी सिलेबस चाहो एति नंबर पेज देख दे पेज नंबर एतिक से सिलेबस विषय दे देती आम कौन जाना एम फार्म एम मार्क एम प्लान एम टेक रो सिलेबस विषय में सब केज रही 23 पेज रू दे 23 पेजटा देख देख यू सिलेबसटा दे फास्ट एम फार्म रे द सिलेबस इज एज बीपीयूटी बी फार्म कोर्स हेतु 60 क्वेश्चन आसव सिलेबस देनी जोटा भी बीपीयूटी पिला मानक बी फार्म कोर्स रही सिलेबस रही सीथ्रु एम फार्म रो सिलेबस एका किंतु अन्य कोर्स एम मार्क एम मार्क कौन कौन रही रिजनिंग रही आउ ब्रांच सब्जेक्ट रही तार कौ कौ चैप्टर आस क्वेश्चन कौ कौ सब हेडिंग से तुम चाहिए पीडीएफ डाउनलोड कर जापर देन एटा गलापर एम प्लान आसूस एम प्लान में रिजनिंग कौन कौन आसो कौ कौ चैप्टर आसो तर ब्रांच सब्जेक्ट जो रही प्लानिंग से कौन कौन तार सब्जेक्ट रही से विषय में एम टेक रही एम टेक आनालीटिकाल एंड लॉजिकल रिजनिंग 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन तापर ब्रांच सब्जेक्ट रू 60 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रही सीधे तार सिलेबस ये तुम्हें चाहिए पीडीएफ डाउनलोड करके देखिपर एमती ही तुम्हें डाउनलोड करपर आम जाना तुम्हारे कोर्स कोर्स फी के रही है कॉलेज कौन कौन रही है कोर्स कोर्स फी के आम जाना एम टेक कोर्स फी आ कॉलेज कौन कौन रही देख जहाँ फास्ट कलम से कॉलेज नेम देखिए देन सेकेंड कलम जो एक्सरे लिखाई से प्रीवियस ईयर केत कोर्स फी थी आर कलम जो लिखाई से वर्ष कोर्स फी के रही देख गोटे भुवनेश्वर कलेज रही जोटा कि प्रिवियस ईयर कोर्स फी थी 61,000 आउ ए वर्ष चेंज हो 70,000 होटा केवल कोर्स फी तुम यदि हॉस्टल में रोज हॉस्टल फी अलग 40,000 पाखापाखि से हॉस्टल फी एटा केवल कोर्स फी तर आउ गोटे रही गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी एटा नुआ खोला है 72,000 कोर्स फी रही है वर्षु एम टेक दुईटा कलेज रही तुम यदि एम टेक पाओ दुईटा भितर कौन से गोटे कलेज पढ़ो देन आउ गोटे एम टेक कलेज रही देख एम टेक आउ गोटे भुवनेश्वर रही है यहाँ तार न्यू खोला है यहाँ 77,000 रही कोर्स फी देन देख एम फार्म कलेज आउ कोर्स फी रही तुम चाहिए स्किन सन नहीं जाओ ये रही है 3टा कलेज 4टा कलेज रही है स्किन सन नहीं जाओ तापर आहरी एम फार्म किसी कलेज रही है देख तुम चाहिए स्किन सन नहीं जाओ मुझ सबुत पढ़ले बहुत लंबा भिडियो रही है तरह बी आर्क एम आर्क जोटा से गोटे कलेज रही है देख ये के फी रही के कौन रही तुम चाहिए ये स्किन सन नहीं पार ये थी कोर्स फी आउ कलेज विषय में आदि किसी डाउट रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आशा करेंगे भिडियो बनाने इनफर्मेट होती है तेनाली चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।